गुजरात इन दिनों दोहरी मार झेल रहा है। इन दिनों जहां तेज बारिश और बाढ़ ने गुजरात के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, तो दूसरी तरफ गुजरात में चक्रवाती तूफान का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अरब सागर में बन रहे भयंकर चक्रवात असना ने गुजरात और केंद्र सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। बढ़ते खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने अरब सागर के ऊपर चक्रवात बनने का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था। ये चक्रवात खास इसलिए है क्योंकि 48 साल के बाद अरब सागर में अगस्त के महीने में कोई चक्रवात बन रहा है। 1946 के बाद ये अपनी तरह का पहला तूफान है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बताया है कि ये चक्रवात पश्चिम दक्षिण की ओर ओमान तक की ओर बढ़ सकता है और पाकिस्तान ने इस तूफान का नाम असना दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि 1976 के बाद ये अगस्त के महीने में अरब सागर में बनने वाला पहला तूफान है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगस्त के महीने में अरब सागर पर तूफान बनना बहुत दुर्लभ घटना है। इससे पहले जब भी अरब सागर में अगस्त में तूफान बने हैं, वे तट पर आते आते कमजोर हो गए। तो वहीं 1964 में भी एक चक्रवात विकसित हुआ था जो कि तट पर आते आते कमजोर हो गया था। आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने मछुआरों को समंदर में ना उतरने की सलाह दी है। इसी के साथ गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र में तटों पर अगले दो दिनों तक 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 1891 से 2023 तक अगस्त में अरब सागर पर तीन ही चक्रवाती तूफान बने हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल जून से अगस्त तक कच्छ और सौराष्ट्र में 700 mm से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि यहां सामान्य तौर पर 430 mm बारिश होती है। जिले में अधिकारियों ने झोपड़ियों और अस्थायी घरों में रह रहे लोगों को स्कूलों, मंदिरों या अन्य इमारतों में आश्रय लेने को कहा है। और इसी के साथ IMD की चेतावनी के बाद कच्छ के जिला अधिकारी अमित अरोड़ा ने एक वीडियो जारी करते हुए अबडासा, मांडवी और लखपत तालुका में रह रहे लोगों से अपनी झोपड़ियों और कच्चे घरों को छोड़कर किसी स्कूल या अन्य इमारतों में शरण लेने को आग्रह किया है। उन्होंने स्थानीय लोगों से शुक्रवार शाम तक के लिए ऐसे गरीब वर्ग के लोगों को अपने घरों में शरण देने के लिए आगे आने की अपील की है। IMD ने कहा है कच्छ और आसपास के इलाकों में बने गहरे दबाव के अगले 12 घंटे के दौरान उत्तर पूर्व अरब सागर में पश्चिम की ओर बढ़ने और एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के आसार हैं। इसके बाद ये अगले दो दिनों के दौरान भारतीय तट से दूर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। आपको बता दें कि IMD के अनुसार इस साल 1 जून से 29 अगस्त के बीच सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में 799 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इस अवधि में सामान्य 430.6 मिलीमीटर बारिश होती है और इस अवधि में सामान्य से 46% अधिक वर्षा हुई है। आपको बताते चलें कि मध्य और उससे सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और शुक्रवार तक पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तरी पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर और अधिक चिन्हित होने की संभावना है। IMD ने कहा है कि इसके उत्तरी आंध्र प्रदेश और आसपास के दक्षिण ओडिशा तटों की ओर बढ़ने और रविवार तक पश्चिम मध्य और इससे सटे उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक दबाव में तब्दील होने की संभावना जताई गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।